पर आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील, तभी मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे आए। वेरी गुड थिक जैकेट्स हैं, आपको इस टेम्परेचर में बचाएंगी। मैं इतनी टिप्स आप लोगों को दे रहा हूँ कि एज अ न्यू कमर अगर आप आते हो ना कैनेडा, आई थिंक मेरे जो ब्लॉग्स हैं भाई ये आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता देंगे। तो एक और बहुत जरूरी चीज है, अगर आप नए नए कैलगरी में आए हैं तो बंडल अप कैसे करना है, या नए नए कैनेडा में आए हैं। अच्छा भाई देखते हैं क्या चल रहा है। अस्तग़फ़ुरुल्लाह, ये देखिए जी -13, डेट भी देख लें टाइम भी देख लें। तो भाई क्या हाल चाल, अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए हमेशा, चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसा मर्जी वेदर हो। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मैंने चीज खोली है ये मैं उड़ाऊ ना उड़ाऊ, फील्स लाइक विद विंड चिल -19 है। इसका मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। होता है कि टेम्परेचर तो -13 है, ये तो टेम्परेचर है, आपको बाहर निकलोगे अगर कोई हवा नहीं होगी आपको -13 ही फील होगा, पर जो हवा आ रही है ना साथ में वो उसको बढ़ा के -19 पे लेके जा रही है। फिर भी भाई अब जो आप लोगों से वादा किया है कि रोज कुछ ना कुछ डालना ही है, आज मैं इस ड्रोन का टेस्ट करूंगा कि भाई ये -19 में उड़ सकता है नहीं उड़ सकता है, इसकी इतनी औकात है कि नहीं है, और देखूंगा कि इसकी बैटरी कितनी जल्दी खत्म होती है। तो चलते हैं बाहर, थोड़ा सा जरा आप लोगों का आसपास का एरिया दिखाता हूं और उसके बाद ये काम भी करके देखते हैं। लेट्स गो आउटसाइड। तो बड़े अरसे बाद कैलगरी में -19 का टेम्परेचर हो चुका है, आप 20 ही समझ लो। अभी खोलते हैं इस गैराज को, पहली पहली ठंड की हवा जरा लेते हैं। वैसे इतना अभी तक तो पता नहीं चल रहा क्योंकि -20 पे, और कल +3 भी था टेम्परेचर, प्लस में भी है, और आज -20 हो गया है। कपड़ों के अंदर ठंड घुस रही है सर, सच में। मतलब ट्राउज़र में तो मैंने सिर्फ ट्राउज़र पहना है, वैसे के अंदर कोई लेगिंग वगैरह नहीं है, इसमें तो एंटर हो चुकी है, और मेरी जैकेट पूरी बर्फ बन चुकी है। गाड़ी में बैठते हैं, फ़ायदा ये कि देखें भाई हीटेड गैराज, हीटेड गाड़ी, हीटेड दुकान है, तो इसलिए इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। तो भाई ये है कंडीशन आज कैलगरी की, पर अच्छी बात ये कि बर्फ नहीं पड़ी। देखिए बर्फ ज्यादा नहीं पड़ी, मतलब पड़ी है पर इतनी ज्यादा नहीं कि भाई गाड़ी नहीं चला सके, वो इस मामले में काफी बेहतर है। पर अभी वाकई में जब मैं बाहर निकला ना घर से, मेरे जूतों में ठंड ऐसे घुस गई बिल्कुल, लाइक ऐसे मेरे पैर अभी ठंडे बर्फ हुए। अभी मैंने हीटर ऑन किए, स्नो बूट्स मुझसे पहने नहीं जाते, बहुत ज्यादा उसमें टाइम लगता है स्नो बूट्स को पहनने में। अगर खुदा ना खासा कुछ बहुत ही बुरी बर्फ पड़ी होगी जिस दिन, तभी स्नो बूट निकालूंगा, अदरवाइज मैं अपने रनिंग शूज ही पहनता हूँ। बट अगेन इट लुक्स ब्यूटीफुल, क्योंकि एज आई मेंशन बिफोर कि कैलगरी एक सनी सिटी है, तो देखें सन हर दफा सन निकला हुआ है, पर हाँ -20 एक काफी बड़ा नंबर है। चलो अब जाते हैं सीधा भाई, देखें कॉफी पीना जरूरी है, कॉफी पी के फिर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे छोटी मोटी। इस एरिया की बात इसीलिए अच्छी है, तभी मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई अगर कैनेडा आ रहे हो कैलगरी में आओ, नॉर्थ वेस्ट में आओ, हर चीज प्रॉपरली कनेक्टेड है, दुकानें वगैरह। इसके बाद जब मैं सब कुछ करूंगा घर जाते हैं और फिर जाके उड़ाते हैं ड्रोन, उससे आपको और भी थोड़ा लोकेशन समझ में आएगी, और देखते हैं ड्रोन उड़ भी सकता है कि नहीं -20 के अंदर यार, मतलब। पर आज करूंगा मैं इस ड्रोन की जो है ना DJI Mini 3 को आज मैं उड़ा के देखता हूँ। तो एक और बहुत जरूरी चीज है, अगर आप नए नए कैलगरी में आए हैं तो बंडल अप कैसे करना है आप, या नए नए कैनेडा में आए हैं सर्दियों में स्पेशली, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि भाई -19 है, तो -19 में आपको बंडल अप क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी दुकान आपको लेके जाता हूँ, वो दुकान मैं आपको दिखाता हूँ, उसका नाम भी। उधर आपको अच्छी वैरायटी मिल जाएगी जैकेट्स के अंदर, ताकि आपको बार बार शॉपिंग ना करने पड़े, ठीक है। तो मैं आपको दुकान में लेके चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा भाई आपको किधर सबसे पहले कैनेडा में लैंड होते साथ ही पहुंचना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे फैमिली के साथ आए हो। पैसे देखें, जब आप इधर आ रहे हो तो ऑब्वियसली जेब में कुछ पैसा तो होगा ही आपके पास, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप उन दुकानों पे जाओ जहां पे आप पैसे बचा भी सको पर आपको क्वालिटी की चीज मिल सके। सो लेट्स गो, मैं आपको दिखाता हूँ दुकान। यहाँ पे ये कंट्रीज रुकती नहीं है, आप अपना सफर भी कर रहे हो, कॉफी भी पीने आ रहे हो, और -20 के अंदर जो है कॉफी कितनी जबरदस्त लगेगी आप खुद सोचें, और फिर भी देखें दुनिया चलती रहेगी, गाड़ियां चल रही हैं, कोई सड़कें नहीं रुकी, कोई भाई काम नहीं बंद हो गया, 3 दिन की छुट्टी दे दी गवर्नमेंट ने, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ चलता रहता है। तो ये एक जबरदस्त बात है कैनेडा की, आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू लिव, क्योंकि आज़ादी फिर भी बहुत है। अभी भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज़ादी से बना रहा हूँ। मैं इतनी टिप्स आप लोगों को दे रहा हूँ कि एज अ न्यू कमर अगर आप आते हो ना कैनेडा, आई थिंक मेरे जो ब्लॉग्स हैं भाई
ये आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता देंगे फॉर श्योर। माइनस 19 है तो भाई एक बंडल अप तो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड स्नो बूट्स ले लो, मुझे आज लग रहा है क्योंकि टोरंटो में मुझे फील नहीं होता था, पर यहाँ पे मेरे पैरों में ठंड बहुत ज़्यादा घुसी जितना भी छोटा मोटा मैं चला हूँ। दूसरी टिप मैं आपको देने वाला हूँ कि टिम्स अगर आप पीते हो, कॉफ़ी पीने का शौक, और टिम्स अगर आप आते हो तो टिम हॉर्टन्स की ऐप आप डाउनलोड करोगे, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कोई पेड प्रमोशन है नहीं ऑब्वियसली, अभी तो चैनल इतना बड़ा नहीं है। बाकी एक और टिप ये है कि भाई अगर आपको बहुत मीठी कॉफ़ी नहीं पसंद, फ्रेंच वनीला काफ़ी मशहूर है, अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंच वनीला नहीं पीनी तो यू कैन मिक्स फ्रेंच वनीला विद ब्लैक कॉफ़ी। जितनी मर्जी आप ब्लैक कॉफ़ी रखो, ठीक है, मैं आपको अभी दिखा पाएगा। तो भाई ये है फ्रेंच वनीला, दिस इज़ ब्लैक कॉफ़ी। अब मैं ब्लैक कॉफ़ी अपनी मर्ज़ी की डालूंगा इसमें, इतनी ज़्यादा 3/4 ऑफ ब्लैक कॉफ़ी और बाकी फ्रेंच। ये देखिए अभी आप देखिएगा ब्लैंड। अब इसमें शुगर और दूध वगैरह सब परफेक्ट ब्लेंड हो चुका है। तो अगर ये ब्लेंड आपको पसंद आया, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। एक और चीज़ भाई टिम हॉर्टन्स की, ये है एप्पल फ्रिटर। एप्पल फ्रिटर इसके अंदर सिनेमन और एप्पल का थोड़ा सा जैम होता है। ये मैं आपको खा के बताता हूँ, मुझे पता है वैसे इसका टेस्ट कैसा है। थोड़ा सा इसको डबोया, बन इसका इतना सॉफ्ट है, थोड़ा सा गूई सा भी है, साथ में एप्पल का जैम का जो फ्लेवर है और सिनेमन, अमेजिंग ब्लेंड। डू ट्राई एप्पल फ्रिटर्स विद द कॉफ़ी गाइस। द बिग डिफरेंस कैलगरी एंड टोरंटो में ये है कि देखें यहाँ पे सड़कें नहीं साफ़ करते ये लोग, जो है ना कैलगरी वाले सड़कें नहीं साफ़ करते और इस तरह बर्फ़ पड़ी रहती है, वो खुद ही मेल्ट हो जाती है शिनुक की वजह से। तो अभी शिनुक का आपने नाम सुना होगा, स्नो ईटर। यस, तो विनर्स आ चुके हैं। विनर्स भाई बहुत सारी चीज़ों का हल है। बंडल अप होना है तो यहाँ आओ, प्रॉपर गेयर करना है अगर आपने आपको विंटर्स के लिए रेडी करना है तो यहाँ पे आओ। तो हम आ चुके हैं विनर्स। विनर्स में ज़बरदस्त किस्म की जैकेट्स मिलती हैं, अभी मैं इसको जाकर ट्राई करता हूँ एंड लेट्स सी कि कैसी लगती है। बंडल अप होने के लिए बेस्ट जगह है आई बिलीव। देन दे हैव दीज पेंट्स, इसके अंदर स्नो पेंट्स भी आपको मिल सकती हैं। और ये सब ब्रांड्स हैं, सारे एक से एक महंगे से महंगा ब्रांड थोड़ी सी कम कीमत में विनर्स में मिलता है। तो अगर आपको ज़बरदस्त ब्रांड ख़रीदना है, विच आई हाईली रिकमेंड इन द बिगनिंग, तो आप यहाँ पे आओ, क्योंकि एक ही दफ़ा चीज़ ख़रीदो और उसके बाद बार बार आपको चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। अच्छा भाई, दिस इज़ जैकेट नंबर 1, पर मुझे लग रहा है कि ये फीमेल जैकेट है, इसको उतार देते हैं। पर प्राइस वाइज बहुत ज़बरदस्त है, ओनली 50 bucks, दैट्स लाइक फ्री। ये जैकेट आप चेक करो, तो ये अच्छी जैकेट है, देखिए नीचे तक कवर कर रही है तो आपको ठंड नहीं लगेगी, लगोगे आप सूंडी की तरह, पर आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील। तभी मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे आए, वेरी गुड थिक जैकेट्स हैं, आपको इस टेम्परेचर में बचाएंगी। इसका ज़बरदस्त हुडी भी है इतना बड़ा सा, तो देखें पूरा इसमें मुझे कवर कर दिया, तो ये फ़ायदा है इस जैकेट का। इसकी प्राइस 149, विच इज़ नॉट बैड गाइस, विच इज़ नॉट बैड, ट्रस्ट मी, 149 अच्छा प्राइस है। तो इन्वेस्ट इनटू अ गुड जैकेट जब भी आप कनाडा हो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये भी बोलूँगा कि भाई पाकिस्तान से या इंडिया से आ रहे हैं तो पैसे मत खर्च करें जूतों पे, यहाँ पे आपको ज़बरदस्त जूते मिल सकते हैं। ये देखें स्नो बूट्स सिर्फ $75 के, दिस इज़ अ गुड वन। तो जूतों की यहाँ पे बहुत वैरायटी है, आपको अच्छे स्नो बूट यहीं से मिल सकते हैं। डोंट फ्रिकिंग वेस्ट योर मनी ओवर देयर, यहाँ पे आए नया जूता लें, हाईली रिकमेंडेड स्नो बूट पहने। मैं नहीं पहनता अलग बात है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और फिर गाड़ी है तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है, बट इफ़ यू आर कम्यूटिंग बाय बस बहुत ज़रूरी है, जूते बहुत ज़रूरी हैं, स्नो बूट्स। सो दिस जैकेट इज़ अमेजिंग गाइस, इसका नाम है प्रोजेक्ट रॉ। ओए होए, बहुत अच्छी जैकेट है, आप ये देखें ज़रा, जिसकी ओरिजिनल प्राइस है वो 329 है एंड जो विनर्स की प्राइस है वो दैट इज़ ओनली 139। दिस इज़ अ बिग डिफरेंस, वेरी गुड डील, वेरी गुड जैकेट। तो भाई दिस इज़ लाइक अ टिपिकल संडे, और बच्चों के लिए बस चीज़ें ले लो बहुत सारी, अपने लिए तो कुछ समझ ही नहीं आता, सच्ची बात तो ये है। तो अगर आप कनाडा में हो, सो दिस इज़ व्हाट योर टिपिकल संडे वुड लुक लाइक। भाई ये शॉप नहीं है, ये पूरा घर है। सो करंटली इट इज़ -20 आउटसाइड, -20, जाके देखते हैं कि भाई कैमरा भी काम कर सकता है नहीं कर सकता, गाड़ी भी काम कर रही थी, सब कुछ काम कर रहा है, रोडें भी सही हैं। लेट्स सी के -20 में कैमरा कैसा काम करेगा, यानी कि उड़ा के ड्रोन को देखते हैं, जल्दी से जाते हैं बाहर।
तो भाई ड्रोन ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, इवन दो आई स्वेयर टू गॉड मेरी उंगलियां भी नम है, बिल्कुल नम हो चुकी हैं, बट द परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग। कुछ भी बैटरी वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ा, काफी ऊपर लेके गया हूँ। वॉच दिस वीडियो, वॉच द फुटेज, एंड दिस इज अ सेज हिल कम्युनिटी, हाईली रिकमेंडेड। आप कैनेडा में नए मूव करते हो, सेज हिल, दिस इज अ टिपिकल संडे गाइस, ये होता है कैलगरी में, ये होती है ठंड, पर इतना फर्क नहीं पड़ता। अगेन मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ओवरऑल इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जिंदगी चलती रहती है, उंगलियां नम हो चुकी हैं सिर्फ इस ड्रोन की वजह से, अदरवाइज एवरीथिंग वाज फाइन। तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद समवन हु इज कमिंग टू कैनेडा, या जो देख रहा है उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन। आई बिलीव कि मैं रोज के हिसाब से आपको द रियलिटी दिखा रहा हूँ, और अभी 7 जनवरी है और आज जाके -20 हुआ है, तो इट्स नॉट दैट बैड, -20 टोरंटो में भी होता है। तो ये वेदर है, और भी आए दिन मैं आपको दिखाता रहूँगा। अभी थोड़े दिनों में आई थिंक ऑन फ्राइडे या थर्सडे -40 तक जाने वाला है, या 35 तक, वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा कि उसमें कैसा फील होता है। देयर यू गो, बंडल अप, नए आए हो, वेलकम टू कैनेडा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।